by Law Minister of the Government, Salman Khurshid, is addressing a press conference. Let's listen in live. पहली दफा नहीं कही बल्कि उन्होंने रिपोर्ट में ये कहा है कि इस बात को उनके सामने सरकार की ओर से ही रखा गया था। सरकार की पूरी बात मान ली, सरकार की पूरी बात मान ली और ये नहीं कहा कि सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कि इसका कितना हिस्सा वापस लौट सकता था और हम भी नहीं बता रहे हैं। और क्यों नहीं बता रहे हैं इसका आज तक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। मानिए कि इसका कुछ हिस्सा लौट आता, नहीं मालूम क्या हिस्सा लौट आता, लेकिन जो बचता प्रॉफिट बचता उस प्रॉफिट में से रॉयल्टी भी तो देनी थी। 14% रॉयल्टी है, रॉयल्टी का भी तो कुछ हिस्सा बनता है इसका। वो रॉयल्टी कितनी होती? 90,000 करोड़, किसी ने आंकलन लगाया है कि 90,000 करोड़ रॉयल्टी देनी होती, और 90,000 करोड़ अगर रॉयल्टी दी गई होती तो फिर इसमें कितना हिस्सा बचता और जो हिस्सा बचता उसमें से कितना ऑक्शन करते तो हमें वापस मिल जाता। और उसके बाद फिर कॉर्पोरेट टैक्सेस भी थे, कॉर्पोरेट टैक्सेस भी कहीं और ना जाते, वो भी सरकार को ही वापस लौट कर आते। तो ये किस किस्म का कैसा इन्होंने कैलकुलेशन किया है और ये मान लिया है कि इस पर ना कोई प्रश्न उठना है और ना किसी को प्रश्न उठाने का अधिकार है। हम प्रश्न उठाते हैं तो ये सवाल होता है कि हम अपमान कर रहे हैं, हम सम्मान नहीं करते एक सांसदीय व्यवस्था का, एक संवैधानिक एक संस्था का हम सम्मान नहीं करते। तो मेरा जवाब इन लोगों के लिए जो ऐसा कहते हैं कि हाँ, यही जवाब है शेर में कि हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो कोई बात नहीं होती। और कत्ल करते हैं ऐसा हुआ है, जब विवाद उठा था भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार और तब के कैग के बीच में, तो फिर जो शब्दावली का प्रयोग किया गया था मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। जो शब्द वहां उस समय कहे गए थे उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जिन लोगों ने ये शब्द कहे थे उनको याद होना चाहिए। जब वो उंगली उठाते हैं, एक उंगली हमारी तरफ उठाते हैं तो जो बची हुई उंगलियां हैं सब उन पर उठा करती हैं। और कहने के लिए अगर तू तू मैं की लड़ाई शुरू हो जाए तो हम भी निकाल निकाल के दिखा सकते हैं, वो चिट्ठी दिखाते हैं किसने किसको चिट्ठी लिखी और क्यों लिखी। हम भी चिट्ठी दिखा रहे हैं कि किस किस मुख्यमंत्री ने कौन सी चिट्ठी लिखी, और उसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि कौन कौन से हमारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर बहस भी की है उन लोगों के लिए जिनके लिए आज कह रहे हैं कि ये एलोकेशन कैंसिल होने चाहिए। किस किस ने कोर्ट में बहस की है खड़े होकर कि ये जो हो रहा है वो सही है या जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। उन्होंने भी तो किसी ना किसी से कुछ लिया होगा, तभी तो उन्होंने मुफ्त में तो नहीं केस किया होगा। सुनिए ना, सुनिए बात, सुन लीजिए पूरी बात आज नहीं। नहीं नहीं, पूरी बात आज नहीं। ऐसा है, ये आरोप नहीं है, वास्तविकता है, सच्चाई है। गर्व से कहना चाहिए कि हाँ हमने ये केस किया था। और देखिए, और हमारी पारदर्शिता देखिए कि एक तरफ हम केस करते हैं दूसरी तरफ हम इसकी मुखालफत करते हैं पार्लियामेंट में, ये पारदर्शिता होनी चाहिए। ये उनकी हिम्मत होनी चाहिए, इस हिम्मत पे उनको खड़ा होकर। और मैं ये मानता हूं कि आपस में थोड़ा संवाद शुरू कर दें, जो उनके झगड़े हैं जिसकी वजह से आज हमको ये पूरे देश में देखना पड़ रहा है, थोड़ा संवाद शुरू कर दें, एक दूसरे को बताते रहें कि हमने कहां, हमारी रग कहां दबती है इसमें मत बोलना, तुम्हारी रग कहां दबती है इसमें हम नहीं बोलेंगे। सच सच सबको सबके सामने वो बता दे, हम कुछ छुपा नहीं रहे, हम कुछ छुपाने वाले नहीं। हम सिर्फ कह रहे हैं कि तुम्हारी गणित अगर कमजोर है तो गणित ठीक कर लो, और अगर तुम्हारी तुम्हें इच्छा शक्ति नहीं है तो इच्छा शक्ति थोड़ी सी बना लो, और अगर तुमने इस मामले में सच्चे मन से ये सारी बातें नहीं कही हैं तो अब देश के सामने स्वीकार कर लो कि अब हम पकड़ गए हैं। तो चोर की दारी में तिनका बहुत बुरा लगता है, अब तिनका निकाल कर बाहर रख दो और कहो कि अब ऐसा नहीं करेंगे, अब हम चाहते हैं कि सरकार अपना काम करे।